नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। ऐसे में अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा है, अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक ना हो, सकारात्मक रहे, या जीत भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 के चुनाव परिणाम 2024 चुनावों के भाग्य का फैसला करें। इसी के साथ ममता बनर्जी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ईवीएम की लूट हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए और उन्हें ईवीएम मशीनों की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट इस बार 20% से बढ़कर 37% हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को 2029 के बारे में सोचना चाहिए। 2024 के चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं, फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार 400 के पार पार्टी पहुंचेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सी लॉर्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।